लास्ट क्लास में रिज लेमा कंप्लीट की थी अपन ने। रिज लेमा ठीक है, तो रिज लेमा का स्टेटमेंट अगर ध्यान हो आपको क्या बताया था, लेट एम बी ए क्लोज्ड एंड प्रॉपर, क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स तो नॉर्म लीनियर स्पेस था, कैपिटल एम उसका क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस था। तब हमने किया था देन फॉर एवरी थीटा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, 1 दियर एग्जिस्ट ए पॉइंट जेड इन कैपिटल एम, दियर एग्जिस्ट जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू 1 एंड नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रिज लेमा का है। इसका प्रूफ लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि भाई अगर एम क्लोज्ड और प्रॉपर सब स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस का, तब एक वेक्टर जेड इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर इक्वल टू किसके, 1 के, यानी यूनिट वेक्टर होगा और इस वेक्टर जेड की कैपिटल एम के पॉइंट्स से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा बना सकते हैं, जहां थीटा 0 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, ये आज इसी लेमा का एक एप्लीकेशन हम यहां पर करेंगे, तो एज ए थ्योरम, वो भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इस लेमा का एप्लीकेशन लिखिए। थ्योरम, लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस, बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस लीनियर स्पेस एंड द क्लोज्ड यूनिट बॉल एंड द क्लोज्ड यूनिट बॉल इस तरह से है, कैपिटल एम इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इज कॉम्पैक्ट देन कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, तो ये थ्योरम हम करेंगे। कैपिटल एक्स कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस दिया हुआ है जिसका डायमेंशन वगैरह अभी कुछ भी है नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक क्लोज्ड यूनिट बॉल अगर हम लें, क्लोज्ड यूनिट बॉल का मतलब है वो बॉल जिसका सेंटर आप कुछ भी कंसिडर करें, रेडियस उसकी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 1 रेडियस की जो बॉल बनाओगे उसके अंदर और उसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स क्लोज्ड यूनिट बॉल के अंदर होंगे। अगर ये क्लोज्ड यूनिट बॉल और साथ ही एक्स बिलोंगिंग टू, आप यहां एम नहीं लिख के कैपिटल एक्स लिखिए, कैपिटल एक्स, ठीक है, क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस के वो सारे पॉइंट्स इस बॉल के अंदर आएंगे जिनकी लेंथ क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये पॉइंट सारे किस में चले जाएंगे, एम में चले जाएंगे, तो यहां एक्स बिलोंगिंग टू क्या है, कैपिटल एक्स। प्रूव ये करना है कि अगर ये क्लोज्ड यूनिट बॉल कॉम्पैक्ट है तब नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स फाइनाइट डायमेंशनल होगा। ठीक है, ये है, तो करते हैं प्रूफ। अब कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन आपको बताई थी, कॉम्पैक्ट सेट, कोई भी कॉम्पैक्ट सेट कब बनता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी डिफाइन किया था कि कोई भी सीक्वेंस अगर लो उस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो उसी तरह की कंडीशन हम यहां पर काम में लेंगे इसमें, तो प्रूफ इसका स्टार्ट करें। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से
प्रूव करेंगे। तो लेट लेट कैपिटल एम इज कॉम्पैक्ट, कैपिटल एम इज कॉम्पैक्ट, वी विल प्रूव द थ्योरम बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूव द थ्योरम बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से करें, हमें प्रूव करना है कि एक्स फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। अगर पॉसिबल हो तो मान लेते हैं कि नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स का डायमेंशन क्या है, इनफाइनाइट है। लेट इट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज इनफाइनाइट, या कैपिटल एक्स इज इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस, अगर पॉसिबल हो तो हमने ये मान लिया। ठीक है, तो कैपिटल एक्स इनफाइनाइट डायमेंशनल है और साथ ही एम को हम क्या मान रहे हैं, कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट जो यूनिट बॉल हमारे पास है उसको हमने क्या मान लिया है, कॉम्पैक्ट। चूज ए वेक्टर एक्स वन, ठीक है, एक्स वन एक पॉइंट में इसके अंदर चूज कर रहा हूं, देखो किस तरह से, चूज ए वेक्टर एक्स वन सच दैट एक्स वन एक वेक्टर अपन चूज कर रहे हैं और इस तरह का एक्स वन चूज कर रहे हैं कि ये यूनिट लेंथ का है, नॉर्म ऑफ एक्स वन इक्वल टू वन, नॉर्म ऑफ एक्स वन इक्वल टू वन, ये कोई भी मैंने एक वेक्टर इसके अंदर अज्यूम कर लिया। लेट कैपिटल एक्स वन इज सब स्पेस जनरेटेड बाई, कैपिटल एक्स वन इज सब स्पेस जनरेटेड बाई एक्स वन। ठीक है, अब एक्स वन यूनिट लेंथ का वेक्टर है, यूनिट लेंथ का वेक्टर है तो इसका मतलब ये कि नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है इसका मतलब ये यहां पर कोई एक सब स्पेस जनरेट इसकी सहायता से अलग अलग इस पर स्केलर लगाकर एल्फा एक्स वन, ठीक है, एल्फा एक्स वन, बीटा एक्स वन, एल्फा टू, एल्फा थ्री, इस तरह स्केलर लगाकर बहुत सारे एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस सिंगल एलिमेंट एक्स वन से जो सब स्पेस जनरेट हो रही है वो क्या है, कैपिटल एक्स वन, दैट इज कैपिटल एक्स वन इज जनरेटेड बाई सिंगल एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट इज नॉन जीरो, एलिमेंट इज नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि इसका नॉर्म हम किसके बराबर ले रहे हैं, वन के बराबर। तो अगर सिंगल एलिमेंट से कोई सब स्पेस जनरेट हो रही है और साथ ही नॉन जीरो वेक्टर है तो निश्चित रूप से लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, यानी कि क्या कह सकते हैं अपन, दिस इंप्लाइज दिस सेट एक्स वन इज बेसिस ऑफ सब स्पेस कैपिटल एक्स वन, यानी कि ये इस सब स्पेस कैपिटल एक्स वन का क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है, साथ ही ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है, तो ये इसका क्या बन गया, बेसिस बन गया। तो अगर बेसिस के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब जो सब स्पेस कैपिटल एक्स वन हमने यहां पर लिया है, इस सब स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, वन। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ एक्स वन इक्वल टू, यानी कि एक्स वन वन डायमेंशनल स्पेस है। तो एक्स वन अगर वन डायमेंशनल स्पेस है, दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स वन इज क्लोज्ड सब स्पेस, इज क्लोज्ड सब स्पेस, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कैपिटल एम कोई भी सब स्पेस है कैपिटल एक्स का, ठीक है, और ये फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल, या शुरू में एक थ्योरम आपको करवाई थी, कैपिटल एम नहीं लेकर कैपिटल वाई मैंने वहां ले लिया था, कि कैपिटल वाई अगर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है कैपिटल एक्स का, तब कैपिटल वाई क्या होगा, कंप्लीट होगा, कैपिटल वाई इज कंप्लीट। ए फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स इज कंप्लीट, ये थ्योरम हमने प्रूव की थी, और साथ ही ये थ्योरम आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एक सब स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड, ए सब स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड। तो वाई अगर कंप्लीट है तो निश्चित रूप से क्लोज्ड भी होगा,
ठीक है, ये तो यानी कि यहां अगर एक्स वन का डायमेंशन फाइनाइट है तब वो कंप्लीट स्पेस है, कंप्लीट स्पेस है तो निश्चित रूप से वो क्लोज्ड स्पेस भी बनेगा। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है कैपिटल एक्स वन इज क्लोज्ड सब स्पेस। ऑल्सो ऑल्सो वी कैन से दैट दैट कैपिटल एक्स वन इज प्रॉपर प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, लीनियर सब स्पेस ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, प्रॉपर क्यों होगा? क्योंकि डायमेंशन किसका, कैपिटल एक्स वन का तो क्या है, फाइनाइट वन आ रहा है, जबकि एक्स का डायमेंशन हमने क्या माना है, इनफाइनाइट। डायमेंशन इज इनफाइनाइट, तो एक तो फाइनाइट डायमेंशनल है, दूसरा इनफाइनाइट डायमेंशनल है, इसका मतलब दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब कैपिटल एक्स वन जो सब स्पेस बन रहा है कैपिटल एक्स का, वो प्रॉपर सब स्पेस बनेगा और साथ ही क्लोज्ड सब स्पेस भी हो गया। तो एक्स वन यहां पर प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस है किसका, कैपिटल एक्स का। अब रीज लेमा पर आप आए, रीज लेमा, ठीक है, रीज लेमा मैं इसमें काम में लूंगा। रीज लेमा में क्या था, कैपिटल एम इज प्रॉपर एंड क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ कैपिटल एक्स, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट जेड इन कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू वन एंड नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, जहां एक्स किसका पॉइंट होगा, सब स्पेस का पॉइंट होगा। ठीक है, ये रीज लेमा हमने प्रूव की थी। अब यहां पर देखिए, कैपिटल एम की जगह मैं किसको लूंगा, एक्स वन को। कैपिटल एक्स वन इज प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स वन अगर कैपिटल एक्स का प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, तब आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दियर एग्जिस्ट एक्स टू बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के अंदर कोई ना कोई पॉइंट, सपोज एक्स टू बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, इस तरह का एग्जिस्ट करेगा, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स टू इक्वल टू वन, नॉर्म ऑफ एक्स टू इक्वल टू वन एंड नॉर्म ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। नॉर्म ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, क्यों? क्योंकि भाई एक पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है वो तो एज जेड पॉइंट है जिसका नॉर्म वन के बराबर है, और फिर जेड की डिस्टेंस किससे देखते हैं, सब स्पेस के पॉइंट से, तो सब स्पेस किससे जनरेट हो रहा है, एक्स वन से, तो एक्स वन सब स्पेस का पॉइंट है क्योंकि कैपिटल एक्स वन को किससे जनरेट करें, एक्स वन से, तो एक्स वन से इसके हमने क्या देख ली, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। ये अपने पास क्या है, रीज लेमा, इस तरह से अपन ने लिखा है। साथ ही थीटा यहां पर क्या लेते हैं अपन, थीटा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, 1, लेट इसमें से कोई भी फिक्स कर दूं मैं, सपोज थीटा इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 1/2 ले सकता हूं इस इंटरवल में है, दैट इज क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ एक्स टू इक्वल टू वन एंड नॉर्म ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू मैंने किसके ले लिया, 1/2 के। ठीक है, एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ गया। अब दो पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं, एक्स वन और एक्स टू, और साथ ही एक्स वन और एक्स टू इस तरह से हैं कि भाई नॉर्म ऑफ एक्स वन किसके लिया था हमने, वन के, नॉर्म ऑफ एक्स टू भी किसके है, वन के, यानी दोनों ही कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स, क्योंकि इनकी लेंथ यूनिट लेंथ के वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर्स, तो जीरो वेक्टर तो हो नहीं सकते। अब मैं नई सब स्पेस जनरेट करता हूं, ठीक है, लेट लेट कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स टू, पहले एक्स वन लिया था मैंने, एक्स वन से एक सब स्पेस जनरेट कर दी थी, अब दो एलिमेंट में ला चुका हूं, एक्स वन और एक्स टू, अब इन दोनों से एक नई सब स्पेस जनरेट करूंगा, लेट कैपिटल एक्स टू इज ए सब स्पेस जनरेटेड बाई एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू की सहायता से एक सब स्पेस हमने जनरेट कर दी कैपिटल एक्स टू, दैट इज कैपिटल एक्स इज जनरेटेड बाई एक्स वन एंड एक्स टू, ये तब ये जो सेट होगा एक्स वन कोमा एक्स टू इज बेसिस ऑफ एक्स टू, इज बेसिस ऑफ एक्स टू, ये एक्स टू का बेसिस बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्स वन एक्स टू इसको जनरेट कर रहे हैं और साथ ही फाइनाइट सेट है
और नॉन जीरो वेक्टर्स हैं दोनों, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। इसका मतलब ये एक्स टू का क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। अगर ये एक्स टू का बेसिस है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स टू इक्वल टू किसके हो जाएगा, टू के। तो एक्स टू इज टू डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स। और एक्स टू अगर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है तब ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट है तो क्लोज्ड होगा, साथ ही ये प्रॉपर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्स टू हो ही नहीं सकता, एक्स तो इनफाइनाइट डायमेंशनल है और एक्स टू क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स टू इज प्रॉपर एंड क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, लीनियर सब स्पेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स। तो एक्स टू प्रॉपर और क्लोज लीनियर सब स्पेस बन गया। अब एक्स टू अगर प्रॉपर एंड क्लोज लीनियर सब स्पेस है तो ये मेरे पास हो गया क्या, कैपिटल एक्स। ये इसका सब स्पेस क्या बन गया, एक्स टू। तब क्या होगा, देन बाई रीज लेमा डियर एग्जिस्ट एक्स थ्री बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू वन एंड नॉर्म ऑफ एक्स थ्री माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, थीटा मैं क्या ले रहा हूं, 1/2। अब देखो एक्स थ्री तो किसका ले लिया, एक्स का, और इसकी डिस्टेंस किससे देखेंगे, कैपिटल एक्स टू के एलिमेंट्स से। तो कैपिटल एक्स टू के एलिमेंट कौन कौन, किससे जनरेट हो रहा है, एक्स वन और एक्स टू से। तो एक्स वन से जब इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, और नॉर्म ऑफ एक्स थ्री माइनस एक्स टू, तो एक्स टू भी एक्स टू का एलिमेंट है तो इससे देखेंगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि वहां पर क्या लिखते हो आप, जेड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, जहां एक्स कैपिटल एम का एलिमेंट है। तो एक्स बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां एक्स टू दो एलिमेंट एक्स वन एक्स टू से जनरेट हो रहा है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये अपने पास आ रहा है। इसी प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ाएंगे, रिपीटिंग द प्रोसेस वी गेट ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल एम। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, सबका नॉर्म किसके बराबर ले रहा हूं मैं, वन के बराबर। कैपिटल एम क्या था मेरे पास, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, यही तो था। तो अगर नॉर्म एक्स वन है, इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, एम के अंदर आ रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं देन वी गेट ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ एलिमेंट्स इन एम, एम के अंदर एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एक्स एन कैन नॉट हैव ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा तब ये कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन टाइप की बननी चाहिए थी, जो कि यहां पर नहीं बन रही है। ठीक है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इन कैपिटल एम। और अगर सीक्वेंस एक्स एन का कैपिटल एम के अंदर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिस इंप्लाइज कैपिटल एम इज नॉट कॉम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम कॉम्पैक्ट अगर है तब क्या होगा, एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन आपको बताई थी, इफ एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इन ए सबसेट देन इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट।
तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई एक्स एन एक सीक्वेंस है, जबकि इसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कैपिटल एम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एम को हम क्या मानकर चले, कॉम्पैक्ट, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, लेट इट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स इज इनफाइनाइट। तो एक्स का डायमेंशन जब हम इनफाइनाइट मानकर चले हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है, सही नहीं है। हेंस हेंस क्या होगा, हेंस कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, ओके, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो कंडीशन क्या है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होने की, यही कंडीशन है कि इस स्पेस के अंदर हमने क्या लिया है, एक क्लोज्ड यूनिट बॉल कंसीडर किया है ना, कैपिटल एक्स के अंदर क्लोज्ड यूनिट बॉल अगर कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड यूनिट बॉल इज कॉम्पैक्ट, देन नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। और प्रूफ हमने किससे किया है, कॉन्ट्राडिक्शन से, अगर पॉसिबल हो तो अपन इसको इनफाइनाइट डायमेंशनल लेकर चल रहे हैं, और उस केस में हमें क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरह से आप यहां पर देखा आपने कि रीज लेमा जो हमने की थी उसके स्टेटमेंट को काम में लेते हुए इस थ्योरम को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर हम लेंगे इसमें, उसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई भी लोकली नॉर्म लीनियर स्पेस है, लोकली कॉम्पैक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस है, तब उसका डायमेंशन क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।